गाइस, फिर से मैं आपके लिए हिंदी ट्रेनिंग स्टार्टर वीडियो लेकर आ चुका हूं। अगर आपने प्रीव्यू में नहीं देखा तो जाकर एक बार प्रीव्यू में देख लीजिए। ऐसा स्टार्टर वीडियो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी न्यू वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको नोवा सोलार एशिया सेलेक्ट करके नीचे आपको जो है फुल स्क्रीन पे करके इनपुट प्रोजेक्टर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे करेंगे उसके बाद आपको जो है मेमोरी कार्ड में रिटायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो सॉन्ग मिल जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे ये रिटायर होकर काइन मास्टर में ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे ओपन होगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों उंगलियों से इसको जूम कर लेना है। ऐसे आपको जो है दोनों उंगलियों से इसको जूम कर लेना है आराम से ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एडिटिंग में जाके फुल स्क्रीन करके यहाँ से आपको कट कर लेना है। जैसे कट करेंगे उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको इमेज एड कर लेनी है, जिसमें से आप जो स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो मैं इमेज को एड कर लेता हूँ। फिर से आपको इस पर क्लिक करके फिर से आपको एक इमेज और एड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसको एड कर लेता हूँ। फिर से आपको क्लिक करके फिर से आपको इमेज एड कर लेनी है। तो ये वाली इमेज एड कर लेता हूँ। फिर से आपको इस पर क्लिक करके फिर से आपको इमेज एड कर लेनी है। उसके बाद इस पर क्लिक करके फिर से आपको एक इमेज एड कर लेनी है ऐसे। उसके बाद आपको जो है ये ग्रीन बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इस पर आपको वीडियो एड कर लेनी है। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहीं से डाउनलोड करके इसे यूज़ कर लेना ये वाली वीडियो। उसके बाद आपको फिर से जो है इस पर क्लिक करके आपको जो है पिक एड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर पिक को एड करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद इस पर क्लिक करके फिर से आपको एक पिक और एड कर लेनी है। आपको जो भी जो है ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इस सब पे आपको जो है पिक को एड कर लेना है। आपका स्टेटस अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। इनमें आपको जो है क्लिप ग्राफिक नहीं लगाने, वो मैंने पहले से लगा के रखे हैं। बस आप पिक एड करोगे, आपका स्टेटस बन के तैयार हो जाएगा। फिर से इस पर क्लिक करके फिर से आपको इमेज एड कर लेनी है। उसके बाद मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ आगे आपको क्या करना है। इन सब में पिक को ऐड कर लेना है। फिर ये आपको अलग बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इस पर आपको जो है क्लिक करके मीडिया में जाके आपको जो है इस वीडियो की लिंक मिलेगी, इसको आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नीचे जाएंगे आपको ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इमेज को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है ये इमेज एड करके दिखा देता हूँ। इसको आपको क्रॉप कर लेना है ऐसे, आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। फिर से आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको एक पिक और एड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे एक पिक और एड कर लेता हूँ। फिर से आपको इस पर क्लिक करके फिर से आपको पिक एड कर लेनी है। तो मैं यहाँ से फिर से जो है पिक को एड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस बैकग्राउंड पे क्लिक करके फिर से आपको एक पिक और ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक पिक और ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सब में पिक ऐड कर लेनी है। यहाँ से आपको आगे चले जाना है। जैसे आगे जाएंगे फिर से आपको ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर नहीं क्लिक करना, नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपको ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर से आपको इसमें पिक ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे पिक को ऐड करके आपको दिखा देता हूँ ये वाली पिक। जैसे मैं ऐड करूँगा ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर से आपको इस पर क्लिक करके फिर से आपको पिक ऐड कर लेनी है। तो फिर से मैं पिक को ऐड कर लेता हूँ।
अब आपको लास्ट तक जो है यहीं पे क्रिएट कर लेनी है और आपका स्टेटस आराम से बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं सारे करके उसके बाद बता रहा हूँ आगे आपको क्या करना है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस मैंने सारे पिक को ऐड कर लिया, उसके बाद आपको इसको छोटा कर लेना है। फिर से आपको शुरुआत में चले आना है, यहाँ पे आपको स्टार टेम्पलेट की लिंक मिलेगी, उसको आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है मीडिया पे जाके। तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर लेता हूँ, ये वाला जैसे ऐड करूँगा उसके बाद आपको इसके वॉल्यूम को म्यूट कर देना है। म्यूट करके आपको क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है ब्लेडिंग में, यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। आगे देख लेना है ये पूरी वीडियो पे आ चुका है, नहीं आया तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस टेम्पलेट पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट बना लेना है। उसके बाद इसको आपको यहाँ से आगे चल लेके जाना है इतना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे वाले से पीछे वाले से को काट के लेना है। उसके बाद साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका स्टेटस बनके तैयार हो गया। अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि कैसा स्टेटस बनाए। ये देखिए गाइस, ये स्टेटस कुछ ऐसा बनाए। तो अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच किया तो आप भी आसानी से ऐसा स्टेटस बना सकते हो। थैंक यू गाइस।